आप मेरे पीछे कोतवाली थाने से निकलते हुए दो आरोपियों को देख रहे हैं। इसमें एक आरोपी जो है सीके गुप्ता है, जो कि तत्कालिक एसडीएम थे, वही नजूल के भी अधिकारी थे और सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर हैं। इन्होंने अपने पद का प्राधिकार का दुरुपयोग कर 2006 से 2008 तक भूमि व्यापर्तन व नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया, जो भूमि के खुर्द बुर्द का आधार बना। वर्ष 2008 में पारित आदेशों में अभिलेखों को पढ़ने के बाद भी प्रार्थी इपी दास को भूमि का स्वामी बता दिया। इपी दास की जाति आदिवासी सी नहीं है, यह भी अंकित किया। वही सब इंजीनियर सुधीर ठाकुर, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वह भी एक आरोपी है, जो कि पुलिस इन्हें भी कोतवाली पुलिस इन्हें भी जो है न्यायालय में पेश करने वाली है। वर्ष 2008 में सर्वे नंबर 29/2 में व्यावसायिक जो असामायिक भूखंडों को इन्होंने अनुमतियां नियम के विरुद्ध दी, वही संबंधित आवश्यक पंजीकृत दस्तावेजों के अभाव में समस्त निर्माण की अनुमतियां इन्होंने जारी की, वही अपने पद का दुरुपयोग कर शासन की जनकल्याणार्थ प्रदत्त भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों आरोपियों को पुलिस जो है अब न्यायालय में पेश करने जा रही है। पुलिस इनका रिमांड ले सकती है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जो भी लोग आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो भी भगोड़े आरोपी सुधीर जैन को संरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए सीमें खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि 20 से 25 सीम जो है आरोपी के लिए खरीदी जा रही है, लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मास्क उतरा लो ना, वो हम लोग बुला रहे हैं, लाइए ना मास्क उतरा लो, मास्क उतरा लो, मास्क उतराएंगे ना इधर 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 एक और को लाओ मास्क उतरा लो ना, वो हम लोग बुला रहे हैं, लाइए ना। आज थाना कोतवाली पे हमारी टीम ने जो है समीक्षा की है इस पूरे प्रकरण की, और उसमें पूर्व एसडीएम और नगर पालिका के जो इंचार्ज थे सी के गुप्ता, उनको सुधीर ठाकुर जो नगर पालिका के इंजीनियर हैं, इन दो लोगों को पुलिस आज गिरफ्तार कर रही है इस मामले में। इस पूरी जांच में उनकी संलिप्तता पाई गई, और पिछले 2-3 दिन से पुलिस जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही थी उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला है कि ये दोनों भी इस सेंट टेरेसा कंपाउंड वाले मामले में आरोपी हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि आज पुलिस दो अपराध और पंजीबद्ध कर रही है, जिसमें एक अपराध जो उद्घोषित इनामी है, फरार जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ 216 का अपराध पुलिस आज पंजीबद्ध कर रही है, और ऐसे सभी लोग जिन्होंने सुधीर जैन को संरक्षण दिया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और उसके अलावा इस पूरे केस में प्लानिंग के तहत एक नया फैक्ट ये निकल के आया है कि ये जो आरोपी हैं ये लोग मल्टीपल सिम्स और सिम जो वेंडर्स हैं उनसे करीब 15-15, 20-20 सिम इशू करा रहे हैं, जो कि अवैधानिक है। पुलिस इसमें भी मामला पंजीबद्ध करके ऐसे जो लोग जिनको पुलिस ने पकड़ा है उनके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेगी।